द नेक्स्ट वन इज बिहेवियर ऑफ सॉल्ट इन वॉटर. अब डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट जो होते हैं वॉटर के अंदर जाकर के डिफरेंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ सोल्यूशंस लिए हैं जो कि सॉल्ट के सोल्यूशंस हैं. तो सॉल्ट के सोल्यूशन हमने लिए हैं कैटेगराइज करके, एक न्यूट्रल सोल्यूशन मैंने लिए, एसिडिक लिए, फिर से एसिडिक लिए और फिर बेसिक लिए. अब एसिडिक में भी मैंने उनको कैटेगराइज किया हुआ है पीएच रेंज के बिहाफ पे. तो अब अगर हम ये मान करके चल रहे हैं कि एक कॉलम हमने बनाया एग्जाम्पल यानी सॉल्ट सोल्यूशन का, एक बनाया उनकी पीएच रेंज का, दूसरा नेचर ऑफ आयन्स का कि वो किस तरीके के आयन्स से मिलकर के बने हैं, या आयन्स दैट रिएक्ट्स विद वाटर कि कौन कौन से आयन्स वाटर से रिएक्ट करेंगे अगर हम उनके सॉल्यूशन बनाते हैं. तो हम सबसे पहला सॉल्यूशन लेकर के चल रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, न्यूट्रल वाले. न्यूट्रल वाले मतलब जितना पॉजिटिव अमाउंट है उतना ही नेगेटिव अमाउंट है. इसका मतलब ये है कि जितनी टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज की थी उतनी ही टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज की है. इसका मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पार्ट होंगे. जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के पार्ट होते हैं तो सॉल्ट बनता है न्यूट्रल. यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया NaCl, KBr, BaNO3 का ट्वाइस, यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड या बेरियम नाइट्रेट. इनकी पीएच रेंज होती है वो एग्जैक्टली 7 होती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं. जहां पर जो कैटायन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का होगा और जो एनायन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा. जब दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो पीएच एग्जैक्टली 7 आएगी, और दोनों ही जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और पीएच इज इक्वल्स टू 7 तो वहां पर कोई भी आयन वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा. ये आपको रिजल्ट याद करना है. नेक्स्ट वन इज एसिडिक नेचर वालों की अगर हम बात करते हैं तो हमने एग्जांपल लिया है NH4Cl का अमोनियम क्लोराइड, NH4NO3 का अमोनियम नाइट्रेट, CH3NS3Br का यह है मिथाइल अमोनिया ब्रोमाइड. नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट और क्रोमियम क्लोराइड और आयरन ब्रोमाइड. ये सारे हमने एग्जाम्पल्स लिए. इन एग्जांपल्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है. देखो ऊपर वाली जो कैटेगरी है उनकी पीएच रेंज 7 से छोटी है, लेस देन 7 है. तो लेस देन 7 होने का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर जो कैटायन होगा वो वीक बेस का होगा और एनायन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा. क्योंकि पीएच रेंज 7 से छोटी जा रही है इसका मतलब वो एसिडिक पार्ट है ना कि बेसिक. इसका मतलब बेस जो था वो वीक था और जिस एसिड से ये बने हैं वो एसिड स्ट्रॉन्ग था. इसका मतलब यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन देने वाला पार्ट हुआ वो कौन हुआ, कैटायन हुआ, जिसने पानी के साथ रिएक्शन कर लिया, जो वाटर के साथ इन्वॉल्व हो गया. सिमिलरली अगर हम नीचे के एग्जांपल्स में देखें तो यहाँ पर भी पीएच रेंज 7 से छोटी है लेकिन इनके जो नेचर ऑफ आयन्स हैं, इनके जो चार्ज कैटायन्स हैं, उसमें कैटायन जो है वो बहुत छोटा है जबकि एनायन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड इसके अंदर कंसीडर हुआ है. जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर हुआ है. इसका मतलब इनकी रेंज 7 से लेस देन रहेगी और नेचर एसिडिक रहेगी और कैटायन पार्टिसिपेशन देगा वाटर के साथ रिएक्शन में. अब इस रेंज के बिहाफ पे आप लोग इनके कलर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब एग्जैक्टली 7 होगा तो कोई कलर खास नहीं है, ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा. जब लेस देन 7 होगा तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा वाला एसिड कंसीडर किया गया है. नेक्स्ट वन इन द लास्ट इज बेसिक नेचर. बेसिक नेचर में आता है CH3COONa, पोटेशियम फ्लोराइड, ये था सोडियम एसिटेट, एंड द लास्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट. इनकी जो पीएच रेंज होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है और ग्रेटर देन 7 होने की वजह का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है. क्योंकि ग्रेटर देन 7 तब होगा जब बेसिक नेचर पाई जाएगी और बेसिक नेचर तब पाई जाएगी जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा. इसका मतलब कैटायन तो स्ट्रॉन्ग बेस का है, एनायन वीक एसिड का है. इसका मतलब ये है कि वाटर के साथ इन्वॉल्व होने वाला आयन जो होगा वो कौन होगा, एनायन होगा. यानी कि वाटर के साथ इन्वॉल्व वही वाला आयन होगा जो वीक है. यहाँ पर वीक कौन है, एसिड यानी एनायन, तो वो पार्टिसिपेशन दे रहा है. यहाँ पर वीक कौन है, कैटायन, तो वो पार्टिसिपेशन दे रहा है. यहाँ पर वीक कौन है, कैटायन, तो वो पार्टिसिपेशन दे रहा है. स्ट्रॉन्ग वाला कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं देगा. इसी वजह से जो न्यूट्रल होते हैं उनमें दोनों स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वाटर के साथ पार्टिसिपेशन नहीं दे पाते. तो जो डिफरेंट सॉल्ट होते हैं वो इस तरीके से अपनी पीएच रेंज को एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट मीडियम्स, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक.